जय हिंद दोस्तों, मैं देवेंद्र सिंह राठौर, फिजिकल कोच, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फिजिकल कोच देवेंद्र राठौर। और आज जैसा कि मैंने कल बताया था, मैं आप सभी को बताऊंगा ये घर में किस तरह से फिजिकल करते हैं। और आज फिर दोबारा मैं आपको यही कहूंगा कि कोई भी घर से बाहर ना निकलें। और यह आप देख रहे हो, ये मेरा हॉल है, और अगर इतना बड़ा हॉल है तो बहुत है, अगर इतना नहीं है तो भी हम एक छोटी सी जगह पे किस तरह से फिजिकल कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। तो ये देख लीजिए, अगर कहीं भी आप रह रहे हो तो 8x10 का तो आपका कमरा होता ही है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आज आपको बताऊंगा कि फिजिकल किस तरीके से करना है। क्योंकि अगर आप फिजिकल नहीं करोगे और घर पर 21 दिन रेस्ट करोगे तो उससे आपका वज़न बढ़ जाएगा, वेट गेन हो जाएगा। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि वर्कआउट करना, और दूसरा आपने जो प्रैक्टिस की है अभी तक वो प्रैक्टिस भी आपकी मेंटेन रहे। तो मैं आज आपको एक ओवरव्यू करके पूरा तरीके से स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बताऊंगा, और फिर हर रोज़ मैं आपको रोज़ाना आपको दो दो एक्सरसाइज बताऊंगा। तो उस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग आपको करना है उस तरीके से जैसे मैं बता रहा हूँ, और रोज़ाना आप मुझे कमेंट के द्वारा बताओगे कि आपने कितने घंटे का वर्कआउट किया। ये सेशन हमारा लगभग 2 घंटे का होना चाहिए, 2 घंटे तक आप वर्कआउट करोगे। तो अभी चलते हैं, अभी मैं आपको सबसे पहले स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से स्टार्ट करूँगा और लास्ट कूलिंग डाउन और फिनिश। तो शुरू करते हैं अभी हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज। तो अभी आपको बताएगा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज। ओके, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज अभी आप देख सकते हो, ये नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे किसी भी तरीके से कर सकते हो आप। तो अभी देख लीजिए, चेंज फटाफट जल्दी जल्दी करो। पूरी एक्सरसाइज के लिए कल मैंने वीडियो डाला था, उसमें आप देख लेना। अभी थोड़ा जल्दी जल्दी में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज करें, उसके बाद अपन दूसरी एक्सरसाइजेज शुरू करते हैं। ओके, अभी स्ट्रेचिंग हो चुकी है, अब हमें करना है वार्म अप एक्सरसाइज शुरू कर। वार्म अप के लिए स्टार्ट जॉगिंग से स्टार्ट करिए, ये आप तकरीबन 1 मिनट तक जॉगिंग कीजिए। ओके, चेंज स्टार्ट। नी ऊपर करो, नी पूरा ऊपर देखते फर्स्ट फर्स्ट, हाथों का भी स्विम फर्स्ट 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 और फर्स्ट और फर्स्ट, ये तकरीबन 1 मिनट तक करना है आपको, और फर्स्ट और फर्स्ट। ओके, 30 सेकेंड रिलैक्स, 30 सेकेंड रिलैक्स, 1 2 3 4 5 6 7 10 20, ओके 30, ओके नेक्स्ट फर्स्ट में फिर स्कीपिंग रोप, आप स्कीपिंग रोप कर सकते हो। अगर आपके पास स्कीपिंग रोप है तो बहुत बढ़िया है, अगर स्कीपिंग रोप नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी आदित्य जिस तरह से कर रहा है उस तरीके से कर सकते हो, और लगातार आप 200, 250, 300, ये आपकी नॉर्मल स्कीपिंग है। और फिर हाई स्कीपिंग, हाई जंप, ये देख रहे हो आप, हाई जंप में आ गया ये, गुड शाबाश। और अभी स्पीडली स्पीडली फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, ये तो इस तरीके से स्कीपिंग रोप भी करके आप वार्म अप हो सकते हो। एक मिनट तक सामने देखो। ओके, 30 सेकेंड रेस्ट। ओके, चेंज फर्स्ट 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 फर्स्ट, 1 मिनट तक करना आपको। ओके, रिलैक्स
रिलैक्स, 30 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1, 2, 3, 4, 5, 15, 20, 25। ओके, स्कॉट, जंप स्कॉट, ये तकरीबन जैसे 10 या 15, जैसे भी आप करते हो, किस हिसाब से करते हो, अगर आप पहले से करते आ रहे थे। ओके, रिलैक्स, रिलैक्स, 30 सेकेंड रिलैक्स। हर एक्सरसाइज के बाद 30 सेकेंड का रेस्ट करना है आपको। 30 सेकेंड रेस्ट किया, उसके बाद में दोबारा से स्टार्ट करना है। और जो भी एक्सरसाइज वार्म अप करना है आपको, पहले स्ट्रेचिंग में आपको तकरीबन 5 मिनट। ओके, चेंज चेंज, ओके चेंज, ओके, आपको जो भी एक्सरसाइज वार्म अप के लिए, पहले स्ट्रेचिंग के लिए तकरीबन 5 मिनट आपको टाइम निकालना है। इसके बाद में वार्म अप में आपको तकरीबन आपको 15 मिनट या 10 मिनट, हार्डली 10 मिनट तो होना ही चाहिए, 10 मिनट तक वार्म अप करना है। पूरा शरीर गर्म हो जाना चाहिए, शरीर वार्म अप हो जाता है आपका। कुछ भी, किसी भी तरह की एक्सरसाइज करो आप फटाफट। हर एक एक्सरसाइज घड़ी के आप अपनी मर्जी से नहीं करोगे, घड़ी आप अपने पास घड़ी रख सकते हो। जैसे कि आप यहाँ हमारे यहाँ इस रूम में आप देख सकते हो, ये सामने आपको घड़ी दिखाई देगी। ये देख लीजिए आप, ये सामने घड़ी है। आप घड़ी इस तरह से घड़ी लगी हुई हो और घड़ी के अंदर आप टाइमिंग देख करके उसके हिसाब से ही आप काम करोगे, तभी आप ये गुड शाबाश। और तकरीबन 10 मिनट वार्म अप होने के बाद आपको हल्का पसीना आ गया है, शरीर गर्म हो गया है, पसीना। ओके, 30 सेकेंड रिलैक्स, रेस्ट करो, आराम करो। हर एक एक्सरसाइज हार्ड एक्सरसाइज करनी है आपको, टाइमिंग के साथ करना है। और आप ये मत सोचिए कि एक कमरे के अंदर कैसे एक्सरसाइज होगी आपकी, बेटर होगी आप जहाँ वहाँ कर रहे थे एक्सरसाइज, बाहर ग्राउंड में जितना दौड़ रहे थे उससे ज़्यादा हो सकती है। लेकिन आपको करना क्या है, घड़ी के साथ चलना है। और हर एक्सरसाइज जो आप पहले कर रहे थे, जैसे स्क्वाट अगर आप 15 कर रहे थे तो दूसरे दिन आपको बढ़ाना है, 20, 22 करना है। आज फर्स्ट डे है, आज आपको हर एक को मुझे कमेंट करना है, कमेंट के अंदर बताना है कि आपने कितनी शुरुआत की और कितनी देर एक्सरसाइज की। तकरीबन 2 घंटे का सेशन होना चाहिए और 2 घंटे तक आपको एक्सरसाइज करनी है। तो अभी हम ये हमने किया है, वार्म अप हो गए, स्ट्रेचिंग हो गई, वार्म अप हो गया, अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज हमारा है स्क्वाट। तो स्क्वाट के लिए शुरू करो। ओके, तो पहला है स्क्वाट, स्क्वाट स्टार्ट करो। हाँ, स्क्वाट, ओके, ये आप देख रहे हो स्क्वाट है बिल्कुल तरीके से। और नी, नोक नी जिनके है वो भी ध्यान रखना। और ये जो आप देख रहे हो, ये जो एक बार यहाँ रखना, ये इनको बाहर की तरफ खींच के रखना आपको। और इस तरीके से पूरा पोस्चर, इस तरह से पोजीशन होनी चाहिए, पोस्चर ये होना चाहिए। और आपको तकरीबन करना है जैसे कि आदित्य अभी करेगा 15, और आप अपने हिसाब से, जैसे अगर आप 15 कर रहे हो, 15 करते हो तो 15 के सेट लगाने हैं 2। और अगर आप 25, ओके रिलैक्स, 30 सेकेंड, और अगर आप 20 लगा रहे हो तो 20 करो, और 20 के बाद रोजाना इसको बढ़ाना है, 20 से 22 करना है या 25 करना है, जैसे भी आपका शरीर परमिशन दे उसके अकॉर्डिंग करना है। पहले दिन ही ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि अगर आप एक ही दिन में ज़्यादा कर लोगे तो फिर दूसरे दिन नहीं कर पाओगे। तो आपको रिलैक्स करना है, 30 सेकेंड हो गए, ओके नेक्स्ट, दूसरा दोबारा स्क्वाट करो, दूसरा सेट है ये, 2 सेट करेंगे अभी आज हम। ओके स्टार्ट, 15, और इस तरह से 2 सेट है। जब आप 15 के 2 सेट हो गए और इस तरह से आप करने लग जाते हो, इसी को बढ़ाते बढ़ाते जब 20 या 25, 20 पे हो जाते हो, तो फिर आपको दोबारा से 3 सेट करने हैं, 3 सेट 15 के, फिर 3 सेट करने हैं, और उनको भी धीरे धीरे बढ़ाते हुए 20 तक ले जाना है। जब 20 तक हो जाते हैं या 25 तक हो जाते हैं तो उसके बाद फिर 15 के 4 सेट पे आ जाना है। ओके रिलैक्स, 30 सेकेंड, ओके नेक्स्ट, 30 सेकेंड रिलैक्स, ब्रेक करो 30 सेकेंड, और उसके बाद में आपको शुरू करना है दूसरी एक्सरसाइज। तो आपको पहले दिन ही ज़्यादा नहीं करनी है, अपनी क्षमता के अनुसार करना है। अगर आप बिगिनर्स हो और आप पहली बार अगर हमारे चैनल पर आए हो तो आपको
चैनल को सब्सक्राइब करना है, और साथ में अगर बिगनर्स हो, आपने पहले कभी नहीं किया है, तो 2 से या 1 से भी शुरुआत कर सकते हो, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। आप शुरुआत के अंदर धीरे धीरे 1 से शुरू कर सकते हो या 2 से शुरुआत कर सकते हो, और धीरे धीरे आप बढ़ते जाओगे तो आप 15-20 तक आराम से आ जाओगे, रोजाना 2-2 बढ़ा सकते हो। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू कर, ये आप देखिए नेक्स्ट है, इसी के भी ये 10-10 के सेट लगाएगा, 2 गुड शाबाश। और इस तरह से ओके रिलैक्स, 30 सेकेंड रिलैक्स। हर एक एक्सरसाइज के बाद आपको 30 सेकेंड रेस्ट करना है, 30 सेकेंड रेस्ट करना है, 1, 2, 3, 4, 5 घड़ी के साथ, बिल्कुल घड़ी के साथ करना है आपको। और आप जब अंदर, सिर्फ हमारे को जगह ज़्यादा नहीं चाहिए, 4x6 अगर जगह है, इतनी जगह हर किसी के पास मिल जाती है आराम से, अगर 4x6 जगह है तो बहुत है, एनफ है। ओके नेक्स्ट, दोबारा से हो गया 30 सेकेंड, अगर 4x6 जगह है हर एक के मकान में, मानता हूँ गाँव में तो जगह मिल जाएगी बट शहर में इतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी, तो आप हर एक कमरा 10x10 का तो कमरा होता ही होता है, और हमारे को सिर्फ 4x6 जगह ही चाहिए। इसके अंदर आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो सकती है, आप धैर्य रखें और तैयारी कीजिए, ये मत सोचिए कि इसमें क्या तैयारी होगी, मैं आज आपको जो बता रहा हूँ उस तरीके से कीजिए। ओके रिलैक्स, 30 सेकेंड रिलैक्स, तो आप उससे जो पहले ग्राउंड पे करते थे उससे ज़्यादा थक जाओगे, और आपको उससे ज़्यादा ही करना है, लेकिन वो तब करोगे जब आप घड़ी के साथ करोगे। हर एक एक्सरसाइज आपको काउंटिंग के साथ करना है या टाइमिंग के साथ करना है। ओके रिलैक्स, ओके नेक्स्ट साइड जंप, रुका फास्ट फास्ट फास्ट, ये पूरा प्रॉपर घड़ी के साथ 1 मिनट तक करना है, तेजी से करना है, 1 मिनट तक लगातार करना है, और उसके बाद रिलैक्स 30 सेकेंड रिलैक्स। अभी 30 सेकेंड का रेस्ट करना है। ओके रेस्ट हो गया, नेक्स्ट एक्सरसाइज इसी को, साइड जंप को दूसरे तरीके से करना है। ओके स्टार्ट, फर्स्ट 1 मिनट, बिल्कुल प्रॉपर 1 मिनट तक आपको घड़ी के हिसाब से, बिल्कुल घड़ी में टाइम देख करके करना है, 1 मिनट तक करना है, ये रुकना नहीं है। ओके रिलैक्स, 30 सेकेंड ब्रेक, 30 सेकेंड ब्रेक। ओके चेंज, फर्स्ट फर्स्ट, ओके स्टार्ट, फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, पूरे 1 मिनट तक करना है, पूरे 1 मिनट तक, सामने देखो, सामने देखो, शाबाश शाबाश। ओके रिलैक्स, 30 सेकेंड रिलैक्स, ओके रिलैक्स, 30 सेकेंड रिलैक्स रिलैक्स। ओके चेंज चेंज, लेग चेंज करो, फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, ओके रिलैक्स 30 सेकेंड। ओके नेक्स्ट जंप स्क्वाट, फर्स्ट ये 5-5 के 2 सेट करेगा, और आप अपनी क्षमता के अनुसार कीजिए। ओके रिलैक्स 30 सेकेंड, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, ओके 30 सेकेंड। ओके नेक्स्ट, दोबारा से, ओके नेक्स्ट दूसरा सेट इसकी का, जंप स्क्वाट का स्टार्ट, काउंटिंग के साथ और टाइमिंग के साथ करना आप ये एक्सरसाइज है, आपको फुल फायदा होगा। ओके 30 सेकेंड ब्रेक, ओके नेक्स्ट स्टार्ट, ये गुड, हाँ ये एक, इस तरह से आदित्य करेगा, 5-5 का सेट है ये, 5-5 के 2 सेट करेगा, और आप अपने हिसाब से स्टार्ट कीजिए, और मुझे कमेंट में लिख कर भेजिए कि मैंने आज इतना किया,
स्टार्ट किया, ओके रिलैक्स 30 सेकेंड, और उसके बाद में नेक्स्ट, ओके अगेन दोबारा से ओके दूसरा सेट स्टार्ट। ये आप देख रहे हो इसी तरह की लगभग सारी एक्सरसाइजेज मैं आज आपको बताऊंगा, उसके बावजूद जो कुछ एक्सरसाइजेज छूट जाएगी वो आपको मैं हर रोज दो दो एक्सरसाइज कराऊंगा और उसके साथ में आपकी अपडेट लेता रहूंगा। ओके नेक्स्ट स्टार्ट जंप के साथ, दोनों पाँव से जंप से एडवांस, ओके ये आपको टाइमिंग के साथ करनी है और फिर 30 सेकंड का ब्रेक। ओके सिंगल पांव से, ओके वापस पीछे लेग, ओके लेग चेंज, ओके 30 सेकंड ब्रेक, ओके चेंज, ये आपको 1 मिनट तक लगातार करना है। लेग चेंज, ओके रिलैक्स 10 सेकेंड, ओके चेंज, एक्सरसाइज चेंज, लेग चेंज, पूरा 1-1 मिनट तक एक्सरसाइज करनी है। ओके रिलैक्स 30 सेकेंड रिलैक्स, लॉन्ग ब्रीदिंग, लंबी लंबी सांसें लो, लॉन्ग ब्रीदिंग, पूरा लंबा सांस खींचो, चेस्ट को पूरा चेस्ट को फुलाओ, पूरा खींचो और थोड़ी देर होल्ड करो और एक ही झटके से मुंह से छोड़ दो, मुंह से झटके से छोड़। ओके चेंज, ओके रिलैक्स, ये भी 1 मिनट तक लगातार करना है। रिलैक्स रिलैक्स, ओके एडवांस, ये भी आपको तकरीबन अगर 30 से पीछे चलो, 5 कदम आगे, 5 कदम पीछे, 5 कदम राइट लेफ्ट, इसको भी आप अपने 30 सेकंड या 20 सेकंड या 1 मिनट जितना कर सकते हो फर्स्ट दे कम करो, उसी के बाद बढ़ाते रहना। रिलैक्स रिलैक्स 30 सेकंड, बैठ जाओ, ओके डक वॉक डक वॉक डक वॉक, हाँ 5 कदम आगे, 5 कदम पीछे, लेफ्ट राइट, ओके 30 सेकंड रिलैक्स चेंज, गुड, ओके ओके रिलैक्स, इसे भी आप 30 सेकंड रिलैक्स, इसे भी आप 1 मिनट तक कीजिए। ओके बैंड पर्सन बैंड, गुड अप बैंड अप, ये भी आप अपनी क्षमता के अनुसार फर्स्ट दिन जैसे कम से कम लगा दो, अभी आदित्य लगाएगा 5, 3, 4, ओके 5, गुड रिलैक्स रिलैक्स, बैठ जाओ, हाथ सीधे, मुट्ठी खोलो बंद करो, मुट्ठी खोलो बंद करो, बराबर में बाजू में रिलैक्स, ओके अगेन बैंड पोजिशन, दोबारा बैंड पोजिशन, हाथ चौड़े करो, खोलो हाथों को, और ये भी 5 लगानी है, गुड शाबाश लगाओ 5, गुड ओके गुड गुड, ओके बैठ जाओ रिलैक्स, मुट्ठी खोलो, मुट्ठी बंद, बराबर में बाजू में साइड में ऊपर रिलैक्स रिलैक्स, हाथों को रिलैक्स, ओके अभी बैंड पोजिशन, हाथों को घुमाओ अंदर की तरफ, लगाओ 5, अंदर की तरफ हाथ घुमाओ, अंदर 5 लगाओ, अच्छा बात, आप लो 15 15 15, जैसे मैं लगवाता था वहाँ पर 25 15 अपने हिसाब से, ओके रिलैक्स रिलैक्स, बैठ जाओ, हाथ मुट्ठी बंद करो, मुट्ठी खोलो साइड में ऊपर रिलैक्स, हाथ डाउन रिलैक्स, बिल्कुल ठीक है, ओके अगेन बैंड पोजिशन, अगेन बैंड पोजिशन, अभी दोनों हाथों को जोड़ो डायमंड, दोनों हाथों को जोड़ो, हाँ ये डायमंड, एक बार बताओ ये डायमंड है, इस तरह से आपको करना है, ओके रिलैक्स, डायमंड, हाँ ये 5 लगाओ, बिल्कुल डाउन, गुड शाबाश, ओके रिलैक्स रिलैक्स, बैठ जाओ, मुट्ठी खोलो बंद करो, मुट्ठी खोलो, अभी आदित्य की
बुरी हालत हो चुकी है, बहुत ज़्यादा थक चुका है ये। हाँ, तो अगर आप इसी तरह से सारी एक्सरसाइजेस करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथिंग होगी। ओके, अगेन बेंड पोजिशन, नेक्स्ट बेंड पोजिशन। हाँ, सीधा हाथ बिल्कुल शोल्डर के बराबर और एक पांव ऊपर, और ये 15-15 करो। हाँ, गुड, शाबाश। डाउन आदित्य, डाउन, अप, डाउन, इस तरह से 15-15 करना है। गुड, शाबाश। ओके, लेग चेंज 15 करके दूसरे पांव से फिर 15 लेग चेंज। हाँ, शाबाश, गुड, शाबाश। हाँ, ये इस तरह से हो गया। ओके, रिलैक्स रिलैक्स, 30 सेकेंड रिलैक्स। ओके, क्रंचेज बस आदित्य 10 करेगा, आप अपने हिसाब से 15, 12 या 25 जैसे भी सेट हो गए स्टार्ट, अपने हिसाब से जैसे भी करते हो। और मुझे कमेंट में लिखिए कि आपने शुरुआत कितने से की। गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ, ओके, रिलैक्स रिलैक्स। ओके, दूसरी क्रंचेज। हाँ, स्टार्ट, 10 रिलैक्स, सामने पीछे बिल्कुल हाथ सीधे और पांव बिल्कुल खींचे हुए, पंजे खींचे हुए आगे की तरफ। गुड, शाबाश, रिलैक्स रिलैक्स, 10 सेकेंड रिलैक्स। ओके, अब हाफ क्रंचेज स्टार्ट, शाबाश। ये हाफ क्रंचेज में ये गर्दन का झटका नहीं देना है, आधा ही उठना है और पांव हाथों को देखो, इस पोजीशन में रहने चाहिए, हाथ झटके हुए बिल्कुल, रिलैक्स 30 सेकेंड। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट, अब करो पाँव को 45 डिग्री के ले जाना है, वापस लाना है। ये 30 की एक सेट ऐसे करके दो सेट करने हैं, आप कितने कर सकते हो उसके हिसाब से मुझे कमेंट कीजिए। रिलैक्स रिलैक्स। ओके, अभी वापस 6 इंच पाँव को उठाना है और पाँव को उठा करके रखना है, रेडी। अब ये कम से कम 35 सेकंड तक रोक के रखना है, बस। गुड, शाबाश। ओके, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, डाउन रिलैक्स, 30 सेकेंड रिलैक्स। ओके, नेक्स्ट 45 डिग्री के ऊपर पाँव को ले जाओ और वहाँ होल्ड करके रखना। ओके, रेडी। अब हाँ, इसको 35 सेकेंड तक रोक के रखना है और धीरे धीरे इसको रोजाना बढ़ाना है। मुझे कमेंट करना है कितनी देर रोका है, स्टार्ट कितनी देर से किया। ओके, 10, 15, 20, 25, 30 रिलैक्स, डाउन डाउन डाउन। ओके, अल्टरनेट लेग स्टार्ट, शुरू करो। हाँ, गुड, शाबाश, फटाफट 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 35 तक। गुड, शाबाश, रिलैक्स। ओके, चेंज इस तरह से 30 सेकेंड तक रुकना है आपको। गुड, शाबाश। ओके, रिलैक्स। ओके, चेंज, डाउन और डाउन। हाँ, गुड, शाबाश। अभी इसे टाइमिंग के साथ करना है। पैंतीस सेकेंड तक। ओके, रिलैक्स। ओके, रेडी, डाउन, बिल्कुल गर्दन तक जमी उसके दीवार के तक और बराबर पैरेलल घुटने सामने, हाथ ऊपर हाथ ऊपर, शाबाश। इसे भी घड़ी के टाइमिंग के साथ करना है। इस तरह से आप ये सारी एक्सरसाइजेस करोगे तो बिल्कुल थक जाओगे, पूरी एनर्जी खत्म होगी। ओके, रिलैक्स। ओके, 30 सेकेंड रिलैक्स। ओके, अभी कूलिंग डाउन, इतना अभी आज के लिए काफ़ी है। अब कल से मैं आप लोगों को रोजाना दो दो एक्सरसाइज उसी में इंक्लूड करते रहना और इनको फिर करके बताऊंगा। तो अभी कूलिंग डाउन है, कूलिंग डाउन देखते रहिए। कूलिंग डाउन के लिए गर्दन से स्टार्ट किया, ऊपर से कर सकते हैं। आपको जल्दी जल्दी नहीं करनी है और तकरीबन ये सेशन आपको वर्कआउट सेशन 2 घंटे तक का लगाना है।
सीधा और दूसरा वाला घुटना फोल्ड, ये देख सकते हो आप। शाबाश। और ये देखिए आप, पंखा चल गया है, आपको पंखा नहीं चलाना है, लाइट आ गई, यहाँ पंखे को ऑफ करना है, पंखा ऑफ करो। मौसम चेंज हो रहा है, सर्दी वगैरह लग सकती है, तो उसका खास ध्यान रखना है। और अभी ये और कूलिंग डाउन की एक्सरसाइज आपको बता रहे हैं। देख रहे हो आप, इस तरह से आपको सारा वर्कआउट करना है, बाहर नहीं निकलना, आपको के अंदर ही रहना है, क्योंकि कोरोना जो बीमारी है ये आपके घर नहीं आएगी, बल्कि आप घर में हो, सेफ हो, आप इसे बाहर जाओगे तभी ये बाहर से ही ला सकते हो, अदरवाइज आपके घर पे चल के ये नहीं आएगा। ध्यान रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, वर्कआउट करते रहिए। इस तरीके से आप अभी वर्कआउट सेशन के बाद में जब बहुत ही ज़्यादा आदित्य थक चुका है, तो अभी ये आ गया है योगा पे, आप योगा भी कर सकते हो। इस तरह से ये कपालभाती। और तो मैं आपको बता रहा था कि कोरोना से सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। आप घर के अंदर अगर घर में रहोगे तो सुरक्षित रहोगे, सेफ रहोगे, आपको बाहर नहीं निकलना है। और इस तरीके से आपको वर्कआउट करना है। अगर आप वर्कआउट नहीं करोगे, घर में ऐसे ही बैठे रहोगे, तो आपका वेट बढ़ जाएगा। वेट बढ़ जाने की वजह से आपको प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपका जो अभी तक आपने जो प्रैक्टिस की है, जो टाइमिंग सेट किया है, वो उस टाइमिंग में गड़बड़ हो जाएगी। अगर आप इस तरह से वर्कआउट करते हो, तो वर्कआउट करने पर आपका वापस वो टाइमिंग अच्छा हो जाएगा, और आपके जो कोर एरिया और आपके पेट की एक्सरसाइजेज, इसके अलावा आपके जो लेग्स है, इसका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको और ज़्यादा टाइमिंग में फ़ायदा मिलेगा। और इसी के साथ जैसे ही ये स्थिति ठीक हो जाएगी, तो हम जाते ही दोबारा से एक टेस्ट रखेंगे, और एक टेस्ट के अंदर जो भी फिजिकल के अंदर बेस्ट दो फर्स्ट और सेकंड आएंगे। अभी तक हम दे रहे थे फर्स्ट वाले को ही प्राइज, अब की बात जाते ही जो टेस्ट होगा उसके अंदर फर्स्ट और सेकंड दोनों को प्राइज दिया जाएगा। तो तैयारी करते रहिए, और मुझे कमेंट्स के ज़रिए बताते रहिए कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही है किसी तरह की, तो मुझे कमेंट्स के ज़रिए बताइए, फिजिकल करते वक्त क्या दिक्कत आ रही है, मैं बताऊँगा, सॉल्यूशन बताऊँगा। और हम इसी तरीके से वीडियो रोज़ में अब से दो एक्सरसाइजेज के बारे में विस्तृत से बताया करूँगा और करवाऊँगा आपको। मुझे कमेंट्स में आप बताते रहिए कि आपने कौन सी एक्सरसाइज कितने से स्टार्ट की है, और अब आप कितना बढ़ाते जा रहे हो, रोज़ कितनी बढ़ा रहे हो। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।